हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर में। आज का वीडियो आ चुका है आप लोग की कमेंट के अनुसार। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि राशन कार्ड कैसे बनाएं, बिहार राशन कार्ड कैसे बनाएं, तो इसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया है कि आपको भी बता दो किस तरह आप बिहार में राशन कार्ड, नया राशन कार्ड बना सकते हैं। अगर बना हुआ है तो संशोधन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, किसी का नाम जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, सारा चीज़ हम आपको विस्तार से बताएंगे किस तरह कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दिया है, देख पा रहे हैं जन वितरण, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हो। यहाँ भी बताया गया सॉफ्टवेयर के निर्माण, नए राशन कार्ड का निर्गत करने हेतु पूर्व राशन कार्ड में संशोधन एवं प्रत्येक के लिए बताया गया, पूरी चीज़ बताया गया, ठीक है। तो चलिए आप किस तरह कर पाएंगे, इस वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद इसको डाउन करेंगे, जैसे आप इसको डाउन करेंगे यहाँ पे एक यूजफुल इन्फो है, ठीक है, यूजफुल इन्फो। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा यूजफुल इन्फो में यहाँ पे मैसेज आपको चलता मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैसेज चलता मिलेगा, यहाँ पे आपको सबसे नीचे वाला जो है, नीचे वाला यहाँ पे देख पा रहे हैं, नीचे वाला ये वाला देख पा रहे हैं, जो आप जहाँ पे हमारा माउस से जहाँ पे तीर है, ये वाला थर्ड नंबर में ऑप्शन है जिसपे लिखा है प्रपत्रा और के एंड के एच फॉर्म, ठीक है। इस पर क्लिक करना होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नया पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो पीडीएफ कुछ इस तरह का आपको मिलेगा, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों की सुविधा दी गई है, जिसे पढ़ना चाहे आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे इसको डाउन करेंगे, यहाँ पे बताया गया सबसे पहले कागजात क्या लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया नया राशन कार्ड निर्गत के लिए जो बताया गया, यहाँ पे सबसे पहला एक आवेदन फॉर्म यानी कि एक एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, और उसके बाद आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड में परिवार में जितने भी आदमी, सभी का आधार कार्ड देना होगा, जिसका आधार कार्ड नहीं दीजिएगा उसका नाम नहीं जुटेगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक खाता यहाँ पे परिवार का मुखिया का देना होता है। तो परिवार का मुखिया यहाँ पे लेडीज होती है राशन कार्ड में, तो उनका पासबुक देना है जिसमें उनका नाम, खाता नंबर, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड साफ साफ दिखाई दे रहा हो, वैसा आपको पासबुक देना है। उसके बाद यहाँ पे चार नंबर में जो है आवासीय प्रमाण पत्र देना है। उसके बाद पांच नंबर में एक हैप्पी डिपिट, एक शपथ पत्र आपको बनाना है। यहाँ पे दिया गया है विभागीय आवेदन पत्र, यहाँ आवेदन पत्र है, ठीक है। उसमें क्रमांक 10 और 11 है, उसमें से जो लागू हो उसी के संबंध में एक शपथ पत्र आपको बनाना होगा। उसके बाद एक आपको फुल फोटो यानी पूरे परिवार के साथ फुल फोटो, तीन फोटो आपको लगाना होगा। ये सारा चीज़ आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। सबसे पहली बात फिर से मैं आपको बता दूँ, एक फॉर्म लगेगा और दूसरी में पूरे परिवार का आधार कार्ड का छाया प्रति, और तीसरी में परिवार के मुखिया का, बैंक का, पासबुक का फोटो कॉपी जो लेडीज होती है, चार में आवासीय देना है, पांच में एक शपथ पत्र बनाना और छः में पूरा परिवार के साथ पूरा फुल फोटो, तीन पीस यहाँ पे देना होगा। अगर आप सुधार करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या देना होगा, उसके लिए भी एक फॉर्म देना होगा जिसका नाम जोड़ना चाहते हैं, ठीक, उसका आधार कार्ड देना होगा। और उसमें भी आपको यहाँ पे देखिए खो के क्रमांक 8-9 संबंध लागू प्रमाण पत्र छाया प्रति थे, जो उस आवेदन में जो सब लगा हुआ, सब आवेदन में जो सब लिखा होगा वो सारा आपको देना अनिवार्य। उसके निवास में परिवर्तन है तो आवासीय पत्र, ये सब आपको देना है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है तो दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नया राशन कार्ड किस तरह बनाए, यहाँ पे बता दूं दोस्तों, नया राशन कार्ड बनाने के लिए कोई ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कोई ऑनलाइन प्रक्रिया अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है बिहार के लिए। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया का इंतजार करेंगे तो समय लग सकता है, अगर समय बीतता गया तो आपका भी यहाँ पे जो मिलने वाला है चावल गेहूँ वो भी आपका नुकसान में जाता रहेगा, इसलिए ऑफलाइन बना लीजिए। अब पता नहीं 2-5 महीने के बाद ऑनलाइन स्टार्ट होता है या नहीं भी होता है। अगर आप ऑनलाइन की इंतजार में बैठे रहेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, अगर 5 महीना बैठेंगे तो 5 महीना का आपका जो
चावल गेहूँ वगैरह होगा वो सारा चीज़ बर्बाद हो जाएगा, मतलब नहीं मिलेगा, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए ऑफलाइन आप बना लीजिए। ऑफलाइन किस तरह बनाते हैं इस वीडियो में मैंने पूरी चीज़ विस्तार से बताया। ये जो पीडीएफ, ये पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे सामान्य निर्देश भी दिए गए, इसको पढ़ लीजिएगा ठीक है। और उसके नीचे आ जाना, यहाँ पे ये जो ये फॉर्म है नया राशन कार्ड बनाने के लिए, ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म ये है, और सेकेंड ये, और थर्ड ये, यानी कि इसमें आपको तीन पेज, अगर नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो तीन पेज आपको निकालना होगा। पहला जो नंबरिंग है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बात यहाँ पे देख लीजिए, आपको नया राशन कार्ड के लिए तीन फॉर्म क्या करना है, ये तीन फॉर्म आपको मतलब प्रिंट करना होगा ठीक है। इस फॉर्म, तीन फॉर्म को प्रिंट कर ले, चार नंबर फॉर्म, पांच नंबर फॉर्म और छह नंबर फॉर्म। इस पीडीएफ में 18 पेज है, तो आपको चार नंबर पेज, पांच नंबर पेज, छह नंबर पेज, ये तीन पेज जो है ये इसका फॉर्म का पेज हो गया। इस तीनों को आपको प्रिंट कर लेना अगर नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह फिलअप करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है आवेदक का नाम ठीक, आवेदक का नाम, यहाँ पे मुखिया का, परिवार का मुखिया का नाम देना, जो भी लेडीज होती है उनका नाम देना। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, तो देखिए यहाँ पे जो आपको देना होगा, यहाँ पे लिखना होगा आपको कलम से ठीक है, प्रिंट करने के बाद कलम से, लेकिन यहाँ पे आपको परिवार के मुखिया का नाम देना होगा, और मुखिया के यहाँ पे आधार नंबर देना होगा, उसके बाद यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर देना होगा, उसके बाद मुखिया जो है मुखिया के पति या पिता का नाम देना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा पता एक लेन में देना होगा, उसके बाद जो बैंक अकाउंट दे रहे हैं उसका आईएफएससी कोड यहाँ पे आपको इंटर करना होगा, लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, खाता नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आईएफएससी कोड, खाता नंबर देना, यहाँ पे देखिए बैंक का नाम और शाखा का नाम आपको यहाँ पे देना होगा ठीक है। यहाँ पे ये सब आपको फिलअप करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे ये फॉर्म मिलता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रमांक देना है, क्रमांक वन, उसके बाद यहाँ पे परिवार का जो मुखिया है वो मुखिया का नाम देना है यहाँ पे आपको दो नंबर में ठीक है, परिवार का मुखिया का नाम, उसका पिता या पति का नाम, और यहाँ पे जो लिंग देना है पुरुष या महिला ठीक है, उसके बाद उससे कितना उम्र हो रहा वो देना, और वैवाहिक स्थिति देना है अनमैरिड है या मैरिड है, उसके बाद मुखिया के साथ संबंध क्या है ठीक है। अगर यहाँ पे आपको उनका नाम नहीं देना जिनके नाम से आप बना रहे हैं राशन कार्ड, उनका नाम क्योंकि ऊपर में ही दिया जा चुका है, वो मुखिया हो गए, उनका नाम छोड़ के उसके अलावा जो भी सदस्य होंगे वो सारा का नाम यहाँ पे आपको इस तरह देना है, क्रमांक, उसके बाद नाम, उसके बाद पिता या पति का नाम, उसके बाद आपको यहाँ पे लिंक, उसके बाद उम्र, उसके बाद वैवाहिक स्थिति देना है अविवाहित या विवाहित, उसके बाद संबंध देना है मुखिया के साथ इसका क्या संबंध है, अगर बेटा है तो यहाँ पे बेटा लिखा जाएगा ठीक है, जो भी संबंध होगा वो संबंध आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो उसके बाद नीचे आ जाएंगे, ये फॉर्म कंप्लीट हो गया, इसी तरह ये उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, तो जिस तरह वहाँ पे सीरियली नंबर दिए, एक नंबर में जिसका नाम दिए है उनका आधार नंबर आपको इस बॉक्स में इंटर करना होगा ठीक है, जिनका वहाँ पे आप नाम दिए थे उन्हीं का देना होगा, पहले जिनका वहाँ पे नाम दिए थे उनका आधार नंबर और मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर एक ही मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबका दे सकते, एक मोबाइल नंबर दे दीजिए उसके बाद छोड़ दीजिए, उसके व्यवसाय यानी कि वो क्या करते हैं सदस्य वो क्या करते हैं, और आमदनी का स्रोत, आमदनी मतलब उसका आमदनी जो कहाँ से होता है, मजदूरी होता है तो मजदूरी लिख दीजिएगा, और यहाँ पे मासिक आय मंथली में कितना आय होता है इनको ठीक है। इसी तरह पूरी मेंबर का डिटेल देना है, उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर और व्यवसाय क्या करते हैं, उनका आमदनी का स्रोत किस तरह वो कमाते, क्या है, लेबर है, मजदूर है, जो भी किसान है वो देना होगा, उसके बाद मासिक जो आय वो देना, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो यहाँ पे मासिक आय में यहाँ पे आपको छात्र लिख देना होगा ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक मेन टॉपिक जो आती है, जो आपको वहाँ पे भी बताया गया था कि हैप्पी रिपीट के लिए ठीक है, यहाँ पे बताया गया है ग्रामीण क्षेत्र के लिए 10 नंबर और 11 नंबर शहरी क्षेत्र के लिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको 10 नंबर भरना, अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको 11 नंबर भरना होगा
ठीक है। अगर ग्रामीण शो है तो आपको सिर्फ 10 भरना, 11 नहीं भरना होगा, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि मोटर चार पहिया वाहन है आपके पास, यानी कि आपके पास मोटरसाइकिल या चार पहिया गाड़ी है, तो यस या नो देंगे, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से टिक मार का लगा लीजिएगा और इसी के हिसाब से आपका शपथ पत्र बनेगा। शपथ पत्र आपके अपने कोर्ट से, ब्लॉक से बन जाएगा, वहाँ से आपको बना लेना होगा। उसके बाद अगर शहरी क्षेत्र नहीं है तो इसको छोड़ देंगे खाली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम, जो भी इसका आवेदक है, जो भी मुखिया है, उसका यहाँ पे सिग्नेचर लेना है। अगर सिग्नेचर नहीं जानता है तो यहाँ पे अंगूठा लेना है उनका। उसके बाद यहाँ पे दिनांक और स्थान आपको फिलअप इंटर करना होगा, ठीक। और इसी तरह यहाँ पे आपको एक फिर से आपको मुखिया का सिग्नेचर यहाँ पे लेना होगा। यहाँ पे देख लीजिए, फिर से आपको मुखिया का सिग्नेचर आपको लेना होगा, ठीक है। तो उसके बाद करना कुछ नहीं, सिंपली जो डॉक्यूमेंट बताया गया उस डॉक्यूमेंट को अटैच कर लेना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट, ये फॉर्म को फिलअप करने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे आप, वो भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो आवेदन पत्र मैंने बता दिया कौन सा है और कैसे फिलअप करते वो बता दिया। और यहाँ पर जितने भी मेम्बर है, सारे मेम्बर का आधार कार्ड देना हो, चाहे वो 1 साल के हो या 10 साल के, सभी का आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी देना है। और मुखिया जो है उनका यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर देना होगा। अगर सभी का बैंक अकाउंट नंबर तो सभी का दे दीजिए फोटोकॉपी, नहीं तो मुखिया का देना जरूरी है। उसके बाद आवासीय भी यहाँ पे मुखिया का लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया, जैसा कि बताया, अगर आप 10 या 11 मतलब ग्रामीण क्षेत्र से या 11 शहरी क्षेत्र से आते तो उसके अनुसार एक शपथ पत्र बना लेना है। जो आपको अपने कोर्ट में जाइएगा वहाँ भी बोलिएगा इस टाइप का शपथ पत्र बनाना है, वो आपको शपथ पत्र बना देंगे। उसके बाद पूरे परिवार के साथ एक फुल फोटो आपको 3 पीस लगा लेना है। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं, सिंपली सा आपको इस फॉर्म को लेकर आपको ब्लॉक जाना है। ब्लॉक के RTPS काउंटर पर आपको इस फॉर्म को जमा कर देना होगा। अब अपने ब्लॉक के RTPS काउंटर जाएंगे, वहाँ पे आपको इस फॉर्म को जमा कर देना है, सबमिट कर देना है। वहाँ से आपको एक रिसिप्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। रिसिप्ट मिल जाने के बाद आप उसका स्टेटस जो ऑनलाइन चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब बताते हैं किस तरह ऑनलाइन कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप संशोधन करना चाहते हैं, यानी कि आपका राशन कार्ड बना हुआ कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उनके लिए फॉर्म भी इन्हीं में दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, सुधार करना चाहते हैं तो उसका फॉर्म जो आपको यहाँ पर दिया गया है, ये पे पपत्र खो, ये वाला खो जो, ये आपको सुधार के लिए, अगर सुधार करना चाहते हैं या रद्द करना चाहते हैं तो आपको ये 2 नंबर वाला फॉर्म को फिलअप करना होगा। जिस तरह मैंने बताया उसी तरह आपको RTPS काउंटर में ले जाकर उसको भी जमा करना होगा। तो चलिए, जब आप ले जाकर अपने ब्लॉक में सबमिट कर देते हैं, वहाँ पर जमा कर देते हैं, तो वहाँ पर आपको एक रिसिप्ट मिलता है, एक रसीद मिलता है। उस रसीद को लेकर आना और फिर से आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और यहाँ पर एक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है आपका जिला, जो भी जिले के आप, वो अपने जिला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना जिला सेलेक्ट कर लिया हूँ। जिला जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, जिला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अनुमंडल आ जाएगा। जो भी अनुमंडल आपका, वो अनुमंडल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसका जो भी रसीद मिला होगा आपको ब्लॉक से, उस रसीद पे एक क्रमांक संख्या होगा, RTPS संख्या होगा, ठीक है। उस संख्या को इसमें आप इंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद शो पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने स्टेटस आपको शो कर जाएगा। क्योंकि मैंने, हमारे पास अभी जो इसका रसीद नहीं है, इसलिए मैं अभी पूरा चीज़ आपको नहीं बता सकता। इसी तरह आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक प्रक्रिया ऑफलाइन बनाने का। अगर भविष्य में कभी भी ऑनलाइन बनाने का कोई अपडेट आता है बिहार सरकार की ओर से, तो मैं आपको नई वीडियो में बता दूंगा। इसलिए अगर आप ऑनलाइन के लिए वेट करेंगे तो आपको यहाँ पे नुकसान हो सकता है। अगर 5 महीने के बाद ये ऑनलाइन शुरू होता है तो 5 महीने का जो आपका अनाज है, वो अनाज आपका नुकसान में जा सकता है। इसलिए आप ऑनलाइन की इंतज़ार ना करें, ऑफलाइन ही बना लें। तो अगर ऑनलाइन कोई आता है अपडेट तो हम आपको वीडियो बराबर देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अभी हमें ज़रूर बताइएगा, और लाइक भी कीजिएगा, जिससे हमारे हौसले को अब जाहिर होती रही और हम आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियो सबसे पहले इस चैनल पर लाते रहेंगे।